हेलो दोस्तों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था एचसीएफ पेल्शियम और उसके ऊपर आज हमारी 5वीं क्लास होगी। अरे क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको रिदम का होना बहुत जरूरी है, तो जिस बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो डायरेक्ट 5वीं वीडियो को ना देखें, पहले जो हमारी पहली वीडियो है एचसीएफ पेल्शियम की उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि तो टॉपिक को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उनको सिक्वेंस में देखें, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा पहला एचसीएफ पेल्शियम में, तो बड़े क्वेश्चन है आपका, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर 24, 32, 36 और 54 प्रत्येक से विभाज्य हो। कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे छोटा होना चाहिए, दूसरा जो हमें 5 जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए, और डिवाइड किससे करना है, 24, 32, 36 और 54, जिसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 869, दूसरा 571, 859, 427। बच्चों देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले बेटे जो हमारी संख्या दे रखी है 24, 32, 36, 54, इनका हमें एलसीएम निकालना होगा। 24, 32, 36 और 54 का हम एलसीएम निकालेंगे। बेटे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड जाएगा 12 पे, 16, 18 और 27। इससे आगे बेटे 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 6, 8, 9, 27। बेटे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 3, 4, 9, 27। 3 से डिवाइड करेंगे बेटे, 1, 4, 3 से 3 पे जाएगा बेटे, ये 9 पे जाएगा। फिर 3 से कर लेते हैं बेटे, 1, 4, 1, 3। 3 से डिवाइड कर लेंगे बेटे, लास्ट में अकेला 4 रह गया, तो 4 से कर लेंगे। तो गुना करते हैं बेटे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 गुना के 3 करेंगे बेटे 216 आएगा, और 216 में भी गुना करनी है 4 की, तो 4 भी दे रखा, अभी 4 से गुना करेंगे बेटे, ये हो जाएगा आपका 864, है ना। तो बेटे आपका एलसीएम आ गया 864। अब इसमें बेटे एक कंडीशन और भी तो है जिसमें बोल रखा है कि 5 जोड़ने पर, बेटे क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5 जोड़ना है, लेकिन आपको यहां पर 5 माइनस करना होगा, और 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 859 आएगा बेटे, 59। बेटे इसमें आपका जो आंसर सही होगा बेटे वो सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आप 5 जोड़ना नहीं है, क्वेश्चन तो कह रहा है जोड़ने के लिए, आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्यों करना है बेटे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इस नंबर के लिए बात कर रहा है, जो आपका आंसर आया 859। 859 बेटे सबसे छोटी संख्या है जिसमें आप 5 जोड़ोगे, आपको जो 5 जोड़ना है ना इसमें जोड़ना है, और 5 जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, 864 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा बेटे, 864 आएगा, तभी तो भाग होगा। एलसीएम तो बेटे एक ऐसी संख्या होती है जो पूरी पूरी भाग हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वो संख्या तब आनी चाहिए कि 5 जोड़ने पर, तो हमें अपना नंबर जो लेना है उससे 5 कम करना पड़ेगा, जो एलसीएम आया उससे 5 कम करना पड़ेगा, इस वजह से हम माइनस करते हैं। क्लियर है, तो मेरा कहने का अर्थ ये बेटे, जब भी आपसे क्वेश्चन कहता है कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है या फिर गुना करना है, तो आपको इन क्वेश्चनों में उसका अपोजिट करना है। अगर जोड़ने के लिए बोलता है तो आपको घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, और घटाने के लिए बोलता है तो आपको जोड़ना होगा। अगर गुना करने के लिए बोलता है तो भाग करना होगा, और भाग करने के लिए कहता है तो गुना करना होगा, इन एलसीएम वाले जो क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना। बेटे इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बेटे, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, तो बेटे अब की बार घटाने की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने पिछले क्वेश्चन बताया है कि क्वेश्चन जैसे कहता है उसको अपोजिट आपको काम करना है, इसमें घटाने के लिए कह रहा है तो आपको जोड़ना होगा लास्ट में जाके। 14, 15, 21, 32 और 60,
प्रत्येक से विभाज्य हो, जिसके ऑप्शन बेटे 33-52, 33-71, 33-49, 33-81। तो बेटे पहले आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के बाद इसने बोला है घटाना है, लेकिन आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। 14, 15, 21, 32 और 60 का 2 से डिवाइड बेटे 7, 2 से 15 भाग नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, ये 16 पे डिवाइड हो जाएगा और ये 30 पे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 7 से कर लेते हैं बेटे, 1, 15 भाग नहीं होता, 21 हो जाएगा बेटे 3 पे, 16 भाग नहीं होता, 30 भाग नहीं होता, 3 से डिवाइड कर लेंगे बेटे, 1, 5, 1, 16, 10। इससे आगे बेटे 5 से भाग कर लेंगे, 5 से 16 भाग नहीं जाएगा, 2 पे भाग हो जाएगा बेटे, 2 से कर लेंगे। अब अकेला 8 रह गया तो 8 ही रख लेते हैं इसको, तो गुना करते बेटे, 2 × 7 = 14, 14 × 3 = 42, 42 × 5 करेंगे 210 आएगा, और 210 × 2 करते हैं 420 आएगा, और जिसमें गुना कर लेंगे इससे बेटे 8 से, 0, 8 × 2 = 16, 1, 8 × 32 = 33। तो बेटे हमारा एलसीएम हो गया 33-60। अब इसने क्या बोल रखा है, 11 घटाना है, लेकिन हम 11 को क्या कर लेंगे बेटे, प्लस कर लेंगे, और प्लस करने पे क्या हो जाएगा, 33-71 हो जाएगा बेटे। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटे, फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि क्वेश्चन ने तो बोला है कि घटाना है, लेकिन आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जब जोड़ने के लिए बोलेगा तब आपको घटाना होगा, गुना करने के लिए बोलेगा तो भाग करना होगा, और भाग करने के लिए बोलेगा तो गुना करना होगा इन एलसीएम वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो गया बेटे 33-71। तो और भी क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन बेटे, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बेटे इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखो ध्यान से बोलो, देखो इसने बोला है 2 गुना करने पर, इसका अर्थ है कि 2 से गुना करना है, लेकिन आपको गुना नहीं करना, क्या करना है, भाग करना। तो पहला काम क्या होगा, एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकालने के बाद 2 से भाग कर देंगे बेटे। एलसीएम निकालना है 12, 18, 21 और 30 का, 2 से डिवाइड बेटे 6, 9, 21, 15, जो संख्या भाग हो जाती है उन्हें भाग कर देंगे, जो भाग नहीं होती उन्हें सेम लिख देंगे। 3 से कर लेते बेटे 2 पे 3, 7, 5 बेटे। अब 2 2 से जाएगा, 3 3 से ही जाने वाला है, 7 7 से और 5 5 से। अगर ऐसी संख्या रह जाती है जो केवल अपने आप से ही भाग होती है तो आप सीधा गुना कर सकते हो बेटे। अगर मैं इसका एलसीएम बनाता हूं तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, 60 की होगी 0, तो क्या रह गया 6, 6 × 7 = 42, और 42 × 3 करेंगे बेटे कितना जाएगा 126। तो बेटे एलसीएम तो हो गया इसका 1260। अब एक कंडीशन और रह जाती है जिसमें बोला है कि 2 गुना करना है, लेकिन आपको 2 से गुना नहीं करना, क्या करना है, भाग करना है। तो बेटे 2 से भाग कर देंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 0 × 0 कितना जाएगा बेटे 630। तो बी ऑप्शन बेटे यहां पर सही होगा। ठीक है ना, फिर से 2 गुना करना है लेकिन 2 से गुना नहीं करना, उल्टा क्या करना है, भाग करना। क्लियर है। तो बेटे आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटे आपका, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या। अब क्वेश्चन जो है संख्या के अंकों को लेके है कि हमें जो नंबर चाहिए वो कितने अंकों में चाहिए, 4 अंकों में चाहिए। अच्छा बेटे एक बात और ध्यान रखना, कभी 4 अंकों की बड़ी पूछेगा, कभी छोटी पूछेगा, तो
तो अंकों में अगर संख्या की वो बात कर रहा है तो आपको उन क्वेश्चनों में एलसीएम ही निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे बेटे, 10, 15, 20 का हम एलसीएम निकाल देंगे। दस पंद्रह बीस का बेटे अगर एलसीएम निकालते हैं, पांच से भाग हो जाएगा, दो तीन चार, इससे आगे बेटे दो से भाग कर लेंगे, अब तीन तीन से जाएगा और दो दो से जाएगा, तो गुना करते हैं, पांच दूनी दस, दस या तीस और तीस दूनी साठ, तो बेटे एलसीएम तो हो गया साठ। अब एलसीएम जो साठ आया है उसमें कितने अंक आए हैं, केवल दो अंकों की संख्या है, तो और हमें यह संख्या चाहिए चार अंकों में, और चार अंकों में भी कैसी चाहिए, सबसे बड़ी चाहिए। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बेटे, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बेटे 9999। तो हम 499 की ले लेंगे, बड़ी संख्या अगर बनानी है तो बेटे 9 का यूज करते हैं, जितने अंकों की चाहिए उतने 9 लेंगे। बेटे 9999 को हम भाग कर देंगे किससे, एलसीएम से जो साठ आया है, तो बेटे साठ से भाग करेंगे, साठ एकम साठ कितना बचेगा 39, ऊपर से 9 आ जाएगा बेटे, 6 पे भाग जाएगा 360 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा बेटे 39, ऊपर से अगला 9 आ जाएगा, 6 पे भाग जाएगा 360, कितना बचेगा बेटे 39, लास्ट में कितना बच रहा है 39। अगर हमें संख्या को पूरा भाग करना है तो बेटे ये 39 नहीं बचना चाहिए, अगर नहीं बचना चाहिए तो हमारी जो संख्या थी चार अंकों वाली उसमें से जो हमारा रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है, उसे माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बेटे 9960 आएगा, ये आंसर होगा बेटे। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पे, सी ऑप्शन बनेगा, क्लियर है। तो बेटे क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद हमें ये देखना है कि कितने अंकों में संख्या पूछी गई है, उसने पूछा है चार अंकों की, तो हमने चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले ली 9999, तो हम उस संख्या को एलसीएम से भाग करेंगे, और एलसीएम से भाग करने के बाद लास्ट में जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को अपने संख्या में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका कंप्लीटली डिवाइड जाएगा, क्लियर है। अच्छा बेटा थोड़ी बहुत अगर कॉमन सेंस अगर लगा लेते हैं तो हम इनको ऑप्शनों से भाग बना लेंगे, यदि हमें थोड़े से रूल पता है तो बेटे कैसे, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 10, 15 और 20 से भाग हो जाए, और नंबर भी चाहिए चार अंकों में बड़े से बड़ा, जो हमारे पास ऑप्शन है बेटे इन्हीं में से तो आंसर होगा एक, चार के अलावा तो आंसर है नहीं। तो बेटे देखो कैसे कर सकते हैं कि अगर चारों से भाग जाना है तीनों से, बेटे जैसे 10 में क्या आ रही है, पीछे 0 आ रही है, तो 10 से बेटे वही संख्या भाग जाएगी जिसके लास्ट में केवल 0 आता है। अब 9995 में बेटे 0 नहीं है, ये संख्या भाग नहीं जाएगी। मैं बेटे ऑप्शनों को गलत करना बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम गलत कर सकते हैं। अब बाकी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सभी में 0 आ रही है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 10 से भाग हो जाएगी, 20 से भाग हो जाएगी। अब बेटे 15 के अगर मैं फैक्टर करता हूं, 5 × 15 होता है, 5 × 15 होता है। अब 5 का डिवाइड रूल कहता है कि यूनिट डिजिट संख्या का जो इकाई का अंक है 0 या 5 अगर दे रखा है तो संख्या भाग हो जाएगी। अब इन सभी पे 0 आ रहा है तो ये सारी संख्या भाग हो जाएंगी। लेकिन 3 का डिवाइड का रूल क्या कहता है, 3 का बेटे डिवाइड रूल कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। अब मैं संख्या के अंकों के योग की बात करता हूं तो अंकों का योग कितना आएगा बेटे 27 आएगा, 3 से भाग हो जाएगा। इसका कितना आएगा बेटे 9, 9, 18 और 8, 26 आएगा, 3 से भाग नहीं होगा, गलत है बेटे। 9, 9, 18 और 6, 24, 3 से भाग हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन रहेगी,
अब इनमें से भी एक को गलत करना है। अब रह गया हमारा नंबर 20। 20 के फैक्टर करते बेटे 5 और 4, 5 चौक 20 होता है, तो 5 तो हमने ट्राई कर रखा है, अब रह गया 4। 4 का डिवाइड रूल कहता है कि संख्या के अंतिम दो अंक, लास्ट टू डिजिट, 4 से भाग होने चाहिए। जैसे अंतिम दो अंक में क्या आ रहा है बेटे, 90 आ रहा है। अब मुझे बताओगे आप 90 4 से भाग हो जाता है क्या? नहीं होता, तो बेटे ये संख्या भी गलत हो जाएगी। अब ऑप्शन रह गया 99 60, पिछले दो अंकों में क्या रहा है, 60, 4 से भाग हो जाएगा, तो बेटे बी ऑप्शन सही है। बेटे यदि हमें डिवाइड रूल अच्छे से पता है तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्लियर है? बाकी मैंने आपको कंप्लीट बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन बेटे, ऐसा ही क्वेश्चन लिया है फिर से हमने, 12 15 18 27 से पूर्णतः भाग होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन बेटे, पहला ऑप्शन 96 90, 99 30, 97 20, 99 60। अगर मैं पिछले क्वेश्चन द्वारा इसको सॉल्व करने की बात करता हूं ऑप्शन से, बेटे 12 के अगर मैं फैक्टर की बात करता हूं, 4 3 12, ठीक है ना। अब 3 का रूल क्या था, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कर लेते बेटे, 9 6 15 और 9 24 भाग हो जाएगा, 9 9 18 और 3 21 भाग हो जाएगा, 9 7 16 और 2 18 भाग हो जाएगा, 9 9 18 और 6 24 भाग हो जाएगा। तो 3 के अकॉर्डिंग तो सारे सही हैं। 4 का रूल क्या था बेटे, लास्ट के दो अंक, तो बेटे लास्ट के दो अंकों में कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, भाग नहीं होगा 4 से, गलत हो गया। लास्ट के दो अंकों में बेटे कितना रहा है, 30 आ रहा है, भाग नहीं होगा, गलत है, तो दो ऑप्शन गलत हो गए बेटे। अब 20 भी भाग हो जाता है और 60 भी हो जाता है 4 से, तो अब दो ऑप्शन में से और ढूंढना है। तो ध्यान रखना 12 में हमने रूल फॉलो कर लिए बेटे, 4 और 3 वाला, ये रूल दोबारा फॉलो नहीं करने हैं। 15 के फैक्टर की बात करता हूं, 5 और 3, अब 3 का रूल तो पहले ही फॉलो कर रखा है, 3 से तो भाग जा रहे हैं। 5 का रूल क्या कहता है, लास्ट का अंक 0 या 5, दोनों में 0 आ रहा है, फॉलो हो रहे हैं। 18 के फैक्टर की बात करते बेटे, 9 2 18 होता है, अब 2 का रूल तो 4 में फॉलो हो गया, रह गया 9। 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग, फिर से करते बेटे, 9 7 16 और 2 18, 18 9 से भाग हो जाएगा, 9 9 18 और 6 24 भाग नहीं होगा, ये भी गलत हो गया बेटे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना बेटे। डिवाइड रूल से भी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से रूल पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि नंबर को कैसे तोड़ना है। अभी आप कहने लगो सर 12 को आपने 4 दिया, 12 तोड़ा है, 2 गुना 6 क्यों नहीं लिया? बेटे आपको अलग अलग नंबर लेने, जैसे कोई इवन ऑड अलग अलग फाइंड करने के तरीके से, जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो। अगर मैं इसको 6 और 2 में तोड़ लेता, अब बताओ 6 में भी तो 2 आ रहा है, तो मैंने उसको बिल्कुल अलग रखा है। ऐसे ही 15 को 5 और 3 से अलग रखा है, बिल्कुल 5 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है, आपस में नहीं कटेगा, एक तरीके से कह सकते हैं को प्राइम नंबर ले रहे हम। 18 को 9 2 18 लिया है, मैंने 6 3 18 नहीं लिया, तो आपस में 6 और 3 तो कट जाएंगे, ठीक है ना। अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं बेटे इसको, तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटे, एलसीएम निकाल देंगे, 12 15 18 और 27 का, 2 से बेटे 6 15 9 27, 3 से बेटे 2 5 3 9, 3 से कर लेंगे बेटे, इससे आगे बेटे 2 2 से भाग जाएगा, 5 5 से और 3 3 से जाएगा, तो गुना करते हैं, 2 3 6 6 3 18, 18 2 36, अब 36 की गुना कर देंगे बेटे 5 3 15 से, गुना करेंगे 15 गुना के 6 90 होता है, 15 3 45 और 9 54 बेटे, इसका एलसीएम हो गया 540।
अब 540 में केवल कितने अंकों की संख्या आई? 3 अंकों की, और हमें चाहिए 4 अंकों की, और 4 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या होती बेटे 4 अंकों में 9999, जिसे आप भाग करोगे अपने एलसीएम से 540 से। तो बेटे ये जो भाग जाएगा एक पे जाएगा पहले तो 9 5 4 बचेगा, ऊपर से अंक आ जाएगा बेटे 9, तो कितने पे जाएगा ये 8 पे जाएगा बेटे, 0 8 चौक 32 8 2 पन्ना 40 और 3 43। माइनस करते बेटे 9 7 2, तो इसमें कितना बच रहा बेटे 289 बच रहा है रिमाइंडर, और हमें कंप्लीट डिवाइड करना है, तो क्या कर देंगे अपनी संख्या में से इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा बेटे 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 का 9 क्या जाएगा 97 20 आएगा, जो हमारा सी ऑप्शन होगा। तो बेटे अंकों वाली संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जितने अंकों में संख्या पूछी है उतने आपको 9 लेने हैं, उस संख्या को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर शेषफल होता है उसे माइनस कर देंगे। किस केस में? जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, क्लियर है? छोटी से छोटी वाली में माइनस नहीं करना डायरेक्ट, उसमें गलत हो जाएगा बेटे। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है उस केस में रिमाइंडर को क्या कर देंगे, उस नंबर में से माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 18 21 से विभाज्य है। फिर से बेटे अंकों में पूछा है, कितने अंकों में? 5 अंकों में, लेकिन अब की बार छोटी संख्या पूछा है, ठीक है ना, जो 12 18 21 से भाग हो जाएगी। बेटे सबसे पहले 12 18 और 21 का एलसीएम निकाल देंगे, तो बेटे 2 से डिवाइड, बेटे 3 से, बेटे 2 2 से जाएगा, 3 3 से जाएगा और 7 7 से, तो गुना कर लेते हैं, 2 3 6 6 2 9 12 12 3 36 और 36 गुना के साथ 7 6 42 21 और 4 25, तो बेटे 252 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, 252 हमारे 3 अंकों की संख्या है और हमें चाहिए 5 अंकों की, वो भी सबसे छोटी। और 5 अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बेटे? 5 अंकों की जो छोटी संख्या होगी आपकी वो होगी बेटे 1000000 यानी अर्थ 10,000। तो बेटे छोटी संख्या बनाने के लिए आगे 1 रखते हैं, बाकी बाद में 0 कर लेते। 5 अंकों की है तो 4 जीरो रखनी होगी, 4 अंकों की होगी तो 3 जीरो। बेटे फिर से इसको भाग करेंगे, 252 से, तो बेटे ये डिवाइड जाएगा 3 पे, 3 2 6 3 5 15 3 2 6 और 1 7। माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस 4, 9 में से माइनस 4, 9 में से 7 माइनस 2, ऊपर से बेटे 0। अब कितने पे जाएगा बेटे? 9 पे, 9 2 18 1 2 5 45 और 1 46 4, 9 2 18 और 4 22। 10 में से 8 गया 2, 3 बचेगा 13 में से 6 गया 7, 3 बचेगा 3 में से 2 गया बेटे 1, तो लास्ट में कितना बच गया बेटे 172 रह गया। अब बड़ी संख्या निकालने वाले में क्या करते थे बेटे, उस संख्या में से उसको घटा देते थे, लेकिन 10,000 में से मैं इस शेषफल को नहीं घटा सकता। अगर मैंने बेटे इसको घटा दिया तो हमारी संख्या 4 अंकों में पहुंच जाएगी, तो बेटे इसमें तो हमें जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ना क्या है वो देखो, आपको जोड़ना बेटे भाजक और शेषफल, इन दोनों का जो अंतर आएगा उसे जोड़ना है। बेटे 252 भाजक है,
शेषफल 172 है, माइनस करेंगे 0, 25 में से 17 गया 8, तो कितना आ गया बेटे 80। इस 80 को अब जोड़ना होगा संख्या में, तो 10,000 प्लस में 80 ये हो जाएगा 10,080। तो यहां पर बेटे ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। तो बेटे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो हमारा शेषफल रिमाइंडर है, भाजक, डिविडेंड है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है, और जो भी उनका डिफरेंस आएगा उसे उस नंबर में जोड़ना है। क्लियर है? बड़ी संख्या में शेषफल घटाना है, छोटी संख्या में जोड़ना है। जोड़ना क्या है? भाजक शेषफल का अंतर, डिविडेंड और रिमाइंडर का डिफरेंस को ऐड करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो बेटा आप वीडियो को प्ले बैक कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटे, 18, 32, 48 से पूर्णतः विभाज्य चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। फिर से बेटे आपकी बार, छोटी संख्या पूछी है वो भी चार अंकों में। तो पहला काम होगा 18, 32, 48 का एलसीएम, दो से 9, 2 से 16, 2 से 24, 3 से बेटे 3, 16, 8, 2 से बेटे 3, 8, 4, 2 से बेटे 3, 4, 2, 2 से करेंगे बेटे, तो हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 तिया 6, 12, 24, 48, और 48 गुना के 3 दुनी 6, 48, 4, 6 चौक 24 और 4, 28। बेटे हमारा एलसीएम तो आ गया 288, लेकिन हमें संख्या लेनी है चार अंकों में, वो भी छोटी। बेटे चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, एलसीएम देख लिया होगा आपने, तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बेटे 1000 होती है। डिवाइड करेंगे एलसीएम से, 288 से कितने पे डिवाइड जाएगा, 3 पे, 3 अट्ठे 24, 2, 24 और 2 26, 2, 3 दो 6 और 2 8, माइनस करेंगे बेटे 6, 3, 1, 136 हो गया शेषफल आपका। अब क्या करना है, डिविडेंड, भाजक, रिमाइंडर, शेषफल, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितने का बेटे इनमें, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 2 में से गया 1, 152। बेटे 1000 में 152 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1152 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका, सी ऑप्शन बेटे सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा बेटे आप ऑप्शन से भी लगाने की कोशिश करना, जब आप ऑप्शन से लगाओगे आपको आदत आएगी, हैबिट पड़ेगी, तभी हम ऑप्शनों को ढूंढना स्टार्ट कर लेंगे। हमने कंप्लीट किया है, अब देखो अगर ऑप्शन से बनाने की बात करते हैं, इसको ऑप्शन से कैसे होगा, फिर से वही डिवाइड रूल, 18 को तोड़ लेंगे बेटे फैक्टर, 9 दूनी 18, 2 का डिवाइड रूल, संख्या का इकाई का अंक 2 से भाग होना चाहिए, जो यूनिट प्लेस होता है हमारा, तो बेटे यहां पे 2 आ रहा है, भाग हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, तो 2 के अकॉर्डिंग चार ऑप्शन सही हैं। अब रह गया हमारा 9, तो 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग, 5 2 7, 2 9 और 1 10, तो 1252 के संख्या के अंकों का योग बेटे 10 आया है, जो 9 से भाग नहीं होगा, तो गलत है ये ऑप्शन। बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 6 और 5 11, 2 13 और 1 14, 14 भी 9 से भाग नहीं होता बेटे, गलत है। सी ऑप्शन, 5 2 7 8 9, ये 9 से बेटे भाग हो जाता है, लेकिन अभी इसको हम सही टेक नहीं कर सकते, 6 और 5 11, 12 13, 9 से भाग नहीं होता, ये भी गलत। अब अकेला एक ऐसा ऑप्शन मिला है आपको जो 9 से भाग हो रहा है, 1152 बेटे 9 से भी भाग हो गया, 2 से भी भाग हो गया, तो ये 18 से भी पूरा भाग हो जाएगा,
तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। देखो ऑप्शन से कितना आसान बन गया। आसान बेटे तब बनेगा जब आप इनको अपनी आदत में डालोगे कि हम ऑप्शन से लगाएंगे तभी, वरना आपको अगर सीखना है तो पूरा बेसिक ही सीखना पड़ेगा। ठीक है आगे क्वेश्चन। पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। ऑप्शन बेटे आपके दे रखे हैं चारों। अब पहले तो इसमें क्वेश्चन में ये देखो चेंज क्या हुआ है। अंकों की संख्या पूछी है, पहले में पूछी थी बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो वो हम निकाल ही रहे थे, लेकिन कंडीशन एक और है बेटे, इसमें हमें रिमाइंडर चाहिए, वो भी कितना 2। ये हमने अलग से ऐड किया इस क्वेश्चन में। अब पिछले क्वेश्चन से जो चेंज हुआ है इसमें यही चेंजिंग आई है कि अब की बार जो रिमाइंडर वो चाहिए वो कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो बेटे करना क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी होगी, संख्या लेने के बाद जो रिमाइंडर होगा उसे माइनस कर लेंगे, तो ऐसा नंबर निकल के आएगा जो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उससे आगे मैंने कांस्टेंट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन कराए थे जिनमें सभी का रिमाइंडर सेम होता है, तो क्या बताया था, उस रिमाइंडर को उस नंबर में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं 3, 5, 8 और 12 का, 2 से बेटे 3, 5, 4, 6 फिर बेटे 2 से भाग कर लेंगे, इससे आगे बेटे 3 से भाग कर लेते हैं, 2 × 4 4 × 3 = 12 12 × 5 = 60 और 60 × 2 = 120 बेटे एलसीएम तो हो गया 120। कुछ बच्चे बेटे ऑप्शन से भी ट्राई करना, ठीक है ना, क्वेश्चन में जरूर। तो एलसीएम हो गया 120। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बेटे 99,999 भाग करेंगे किससे, एलसीएम से बेटे 120 से भाग करेंगे तो 8 पे भाग जाएगा, 12 × 8 = 96 होता है 960, कितना बचेगा बेटे 39। अगले 9 को लेंगे, कितने पे जाएगा 3 पे, 12 × 3 = 36 39 बचेगा बेटे, फिर 9 को ले लेंगे 3 पे भाग जाएगा 12 × 3 = 36 लास्ट में कितना बच गया 39। और बड़ी संख्या में रिमाइंडर को माइनस करना होता है, तो 99,999 में से हमारा जो रिमाइंडर आया 39 इसे माइनस कर देंगे बेटे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9, 9, तो 99,960 एक ऐसा नंबर है जो 3, 5, 8, 12 से पूरा भाग हो जाता है। लेकिन बेटे एक कंडीशन और भी जो है कि हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब इस रिमाइंडर को बेटे यहां पे क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, तो 99,962 इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर बेटे आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्लियर है। तो बेटे देखो कांस्टेंट रिमाइंडर अगर वो बात करता है बचना चाहिए, तो लास्ट में जाके उस नंबर में जोड़ देते हैं, कौन से नंबर में, जो हमारा कंप्लीटली डिवाइड आ जाता है। अब ऑप्शन से बेटे लगा के देखा हो किसी ने, अब ये डायरेक्ट ट्राई मत करना, जो 2 रिमाइंडर बच रहा है पहले उस रिमाइंडर को हटा लेना है इसमें से। आपको जो ऑप्शन ट्राई करने होंगे, पहला ऑप्शन बनाना होगा 99,997, ये ट्राई करना है क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, ये भी तो माइनस करना है। बी ऑप्शन को आप मान के चलोगे 99,960, सी ऑप्शन हो जाएगा 99,946 और डी हो जाएगा 99,720। आपको ये ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब की बार कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, रिमाइंडर चाहिए 2, क्लियर है। अब देखो ट्राई कर लो, 3 का रूल क्या था, अंकों का योग, तो 9, 18, 27, 36 और 7 = 43 भाग नहीं होता, गलत कर दिया बेटे, 9 × 27 = 6 = 33 भाग हो जाएगा, 27 × 4 = 31 और 6 = 37 भाग नहीं होता बेटे, 9 × 9 = 18 और 9 = 27 ये भी भाग हो जाएगा। 5 का रूल, पीछे 0, दोनों में 0 है,
आठ का रूल, संख्या के पिछले तीन अंक। पिछले तीन अंकों को लेके बात करते हैं, 960 की और 720 की। बेटे 960, 8 गम 8, 8 दूनी 16, 0, इसको भाग करेंगे बेटे, 8 नाम 72, ये भी भाग हो रहा है। अब 12 से डिवाइड करना होगा, 12 से डिवाइड करेंगे बेटे, 12 में 4 और 3 का रूल फॉलो हो जाएगा, जो दोनों नंबर हमारे डिवाइड जा रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है बेटे, इन दोनों में खूबी है कि दोनों पांच अंकों में है, 3, 5, 8, 12 सभी से भाग जा रहे हैं और सभी पे रिमाइंडर क्या रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अब भी एक पहचान होगी कि इनमें से किसको सही करना होगा, हमें किसे सही करेंगे बेटे, इसमें पूछा है बड़ी से बड़ी। अब इन दोनों में जौन सी बड़ी संख्या, उसी को तो आंसर टिक करना होगा। तो बेटे इस वजह से हमारा 99,960 सही होगा, इसको हम गलत मानेंगे, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? कभी सभी के माइंड में ये सस्पेंस हो कि सर दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है दोनों ऑप्शन पे, बेटे एक कंडीशन अब भी रह जाती है, क्वेश्चन ने बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, अब इन दोनों में बड़ी संख्या है हमारी, बी ऑप्शन वाली। क्लियर है? आगे क्वेश्चन, तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 12 से भाग करने पर 3 शेष बचता है। तो बेटे देखो ऑप्शन से करते हैं, पहले जो शेष बच रहा है उसे घटा लेंगे, 900 आएगा, ये 936 आएगा बेटे, 972 आएगा और 993 आएगा। तो पहला रूल 6 से भाग करना है, 6 को तोड़ देंगे 2 और 3 में, और 2 का रूल इकाईक अंक 2 से भाग होना चाहिए, तो इकाईक अंक 2 से भाग होना चाहिए बेटे, ये गलत हो गया 993। 3 का रूल अंकों का योग, 9 आ रहा है भाग हो जाएगा, इसका 18 है भाग हो जाएगा, इसका भी 18 है भाग हो जाएगा। 9 का रूल संख्या के अंकों का योग भाग होना चाहिए, अंकों के योग को भाग करते हैं तो सभी में भाग जा रहा है, 900 भी भाग जा रहा है, 936 भी जा रहा है और 972 भी जा रहा है, क्योंकि सभी के अंकों का योग क्या है, 9 के टेबल में आ रहा है। 12 का रूल 4 × 3 = 12, अब 12 के अकॉर्डिंग 4 का रूल क्या होता है, पिछले 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए, 900 में भाग हो जाएंगे, 936 में भाग हो जाएंगे, 972 में भाग हो जाएंगे। और 3 का रूल 3 से 972 भी भाग हो रहा है, 900 भी, 936। तो हम किसे सही करेंगे बेटे इसमें, अब सारी कंडीशन तीनों ऑप्शन पे लग रही हैं, बेटे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 972, इट मींस 975 सही होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटे, 6, 9, 12 एलसीएम निकाल देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 2 से कर लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटे इसका, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, एलसीएम हो गया 36। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 36 से भाग करेंगे, 36 से भाग करेंगे 2 पे भाग जाएगा बेटे, 36 × 2 = 72, 7 बचेगा, 2 बचेगा, अब कितने पे डिवाइड जाएगा बेटे, 8 पे, 36 × 8, 8 × 3 = 48, 8 × 6 = 24 और 4 = 28, 8 पे नहीं जा रहा बेटे, 7 पे जाएगा अभी, 7 × 6 = 42, 7 × 21 और 4 = 25, कितना बचेगा, 7, 2। तो शेषफल को क्या करेंगे, पहले माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2, 7, 9, 972 आ गया। अब रिमाइंडर भी तो चाहिए 3, तो रिमाइंडर चाहिए उसे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 975। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटे, सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन से भी लगा दिया था पहले और सॉल्व भी कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर सारे ऑप्शन पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको बड़ी संख्या देख के आपको आंसर टिक करना होगा कि उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्लियर है? आगे बेटे क्वेश्चन,
पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30 या 36 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचता है। बेटे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है ना। ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट में हमें जरूर बताएं।